हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में फूड लाइफ प्रोसेस में, जहाँ आपको मिलती है बहुत ही टेस्टी टेस्टी अमेजिंग रेसिपीज़ और इजी भी, जो कि आप घर पे अपने आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बेसन की कढ़ी, जो कि हम ईज़िली हम बना सकते हैं और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, ये बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट से आप बना सकते हैं अपने घर में। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ना मैंने 250 ग्राम के करीब ये दही लिया है। मैंने मार्केट का दही इस्तेमाल किया, आप घर में जमाया हुआ दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे दही को पहले, ताकि जो भी लम्स हो सारे का सारा निकल जाए, मिक्स हो जाए दही हमारा। अब हम इसमें ना बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 2.5 चम्मच के करीब हम बेसन ऐड करेंगे। मैंने ये मीडियम साइज़ का चम्मच इस्तेमाल किया है, उससे मैं 2.5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद हमें बेसन को दही के साथ अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि ना जब हम इसमें पानी ऐड करें तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बचे और हमारा बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पानी ऐड करने से पहले ही एक बार बेसन को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें ना पानी डालेंगे। पानी हम एक बार में सारा नहीं डाल देंगे, अभी मैं 1.5 ग्लास पानी ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे ढक कर रख दूँगी। 1.5 ग्लास पानी हमने इसलिए अभी ऐड किया है ताकि हमें पानी की क्वांटिटी और अगर हमें बढ़ानी होगी तो हम बाद में बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे। तो बेसन और दही को हम इस तरीके से फेंट कर पहले रख लें। दही के साथ मिक्स करते वक्त हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो जाता है, रेडी होता है, तब तक हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच काली सरसों यानी कि राय डाल देंगे और उसके बाद 1 तेज़पत्ता। आप इसमें हरी मिर्ची या लाल सूखी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कटे हुए लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ा सा लहसुन पक जाए। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू मीडियम साइज़ का एक आलू मैंने ना पतला पतला चॉप करके इसे अच्छे से भून लेना है हमें इसी मसालों के साथ। एकदम हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है ताकि इस पर अच्छा सा क्लेयर आ जाए और हमारे आलू जो है ना इसी समय पक जाने चाहिए। आलू को हमें बाद में पकाने का वेट नहीं करना है, इसे हमें गोल्डन होने तक भूनते रहना है। अभी हम प्याज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज डालने के बाद ना प्याज जल्दी पक जाता है और आलू को थोड़ा टाइम लगता है। देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इस पर गोल्डन लेयर आ चुकी है। तो अब हम इस समय अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे। मैंने एक छोटा प्याज ना पहले से ही चॉप करके रखा था, वो अब मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज आलू को हम अब साथ में मिक्स करते हुए भूनेंगे। प्याज बहुत जल्दी भुना जाता है और आलू में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने आलू को पहले डाला था और प्याज को हम बाद में डाल रहे हैं। और इन दोनों को ना अच्छे से हमें भून लेना है। आलू को भूनते वक्त ना एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके गैस का फ्लेम ना मीडियम रहे, ये लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर सॉगी हो जाएगा तो फिर वो क्रंच नहीं आएगा आपकी कढ़ी में। आलू प्याज का जो क्रंच आएगा ना इसे डालने के बाद, वो बहुत अच्छा लगता है, एक यूनिक फ्लेवर आता है इस तरीके से आप आलू प्याज भून कर डालेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कोई और वेजिटेबल्स, कोई और सब्ज़ी ऐड करना, तो वो भी इस तरीके से आप भून कर डाल सकते हैं अपनी कढ़ी में, आपकी कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो हमारे प्याज आलू लगभग भुना चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे सूखे मसाले वो हम इस समय डाल देंगे। सूखे मसाले में मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुना जाएं और हमारे प्याज और आलू में ना अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर जनरेट कर पाएं। तो इस तरीके से आप भून लीजिएगा। इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी भुना जाते हैं। इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से भून के, समय हमने जो दही और बेसन का घोल तैयार किया था, मिक्सचर रेडी किया था, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस समय हमें क्या करना है, जो भी हमें एक्स्ट्रा पानी
और ऐड करना है कढ़ी में, ताकि हमारी कढ़ी पतली बने, एकदम थिक नहीं बननी चाहिए, तो उस समय ही हम ऐड कर देंगे। और कढ़ी बनाते वक्त एक ख़ास बात का ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम अभी लो रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए, हाँ, मिक्स करते हुए आप पकाइएगा कढ़ी को। इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे चलाते हुए, हिलाते हुए पकाना होता है, ताकि ना कढ़ी हमारी फट ना जाए। बनाते वक्त एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कढ़ी में स्टार्टिंग में नमक ऐड नहीं करना है आपको, हाँ, जब तक इसमें अच्छा से खौल आना ना स्टार्ट हो जाए, आपको खौल आते हुए ना दिखने लगे, तब तक कढ़ी में आप नमक ऐड नहीं कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी में खौल आना स्टार्ट हो चुका है और ये कितने अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, और इसी तरीके से मैं इसे धीरे धीरे चलाती जा रही हूँ। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। मैंने इसमें 2.5 चम्मच के करीब नमक डाला है, और नमक डालने के साथ साथ मैं एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ, चला लेती हूँ। अब मैं इसमें ना गरम मसाला भी इसी समय ऐड कर लूँगी। मैं पीसा हुआ गरम मसाला का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। अगर आप मार्केट वाला गरम मसाला डालते हैं तो 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हम चटपटी एकदम ट्रेडिशनल कढ़ी बना रहे हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद ना इसे अब 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चलाते हुए कुक करेंगे। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी कढ़ी में कितना अच्छा खौल आया है, और मैं इसी तरीके से इसे लगातार चलाते हुए, बीच बीच में रुक रुक के चलाते हुए कुक कर रही थी, पका रही थी। तो हमारी कढ़ी लगभग पक के रेडी हो चुकी है। तो इस समय हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, कटे हुए धनिया पत्ता। में अक्सर लोग क्या कहते हैं, धनिया पत्ता अवॉइड करते हैं, पर एक बार मेरे कहने पे आप धनिया पत्ता ऐड करके देखिए कढ़ी में, ये एक अलग ही फ्लेवर जनरेट करता है, और इससे ना इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़कर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कढ़ी में धनिया पत्ता ऐड करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया, तो इसे मिक्स कर दूँगी और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो चुकी है। आपको अगर थिक चाहिए तो 2 मिनट और बॉयल कर सकते हैं और कुक कर सकते हैं, पर ये सर्व के लिए बहुत अच्छी लगती है। कई बार घर में ना हमें सब्जी खाने का मन नहीं करता, कुछ अलग बनाने का मन करता है, तो उस समय आप ये कढ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कोई पकोड़े बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने इसमें सब्जी ऐड किया है तो ये वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल बन चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, को लाइक ज़रूर किया कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं। चैनल पर नए आए, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की सिंपल रेसिपीज़ को लिए, इजी रेसिपीज़ के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।